Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study the poem How to Tell Wild Animals, composed by Carolyn Wells. Carolyn Wells के द्वारा ये लिखित poem How to Tell Wild Animals. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की हिंदी स्टूडेंट्स इस प्रकार से होगी, हाउ मीन्स कैसे, टू टेल बताएं, टेल मीन्स बताना होता है, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग है पहचानना. हाउ टू टेल कैसे पहचाने वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों को, यानी जंगली जानवरों को कैसे पहचाने कि ये कौन सा जानवर है, कौन सा इस जानवर है और इसका क्या नाम है, हम उन्हें कैसे पहचाने. तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की हिंदी हुई जंगली जानवरों को कैसे पहचाने या पहचाना जाए. तो ये पोयम कैरोलिन वेल्स लिखती हैं. यह पोयम बहुत ही हास्य, इसे कहते हैं ह्यूमरस पोयम है. बच्चों के भी किताबें इन्होंने कैरोलिन वेल्स ने लिखी है और ये पोयम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फनी है. पढ़ करके सुन करके इसको आनंद आएगा स्टूडेंट्स. तो पहले हम थोड़ा सा इस पोयम के बारे में जानकारी करते हैं कि ये हास्य कविता जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है, बताती है कि जंगली जानवरों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उनको पहचाना जाए. इसके भी कुछ खतरनाक तरीके हैं, ढंग हैं कैसे उनको पहचाना जाए. जो कवियत्री कैरोलिन वेल्स है, यह है एशियाई शेर और बंगाली बाघ का सुंदर चित्रण करती है इस पोयम में. फिर वह भालू और तेंदुए के बारे में भी वर्णन करती है और इसके पश्चात वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लकड़बग्गा और आंसू बहाने वाला मगरमच्छ का भी कैरोलिन वेल्स वर्णन करती है. और उसके पश्चात वह यह वर्णन करती है कि किस प्रकार से गिरगिट अपने रंग बदलता है. तो ये सब वर्णन इसमें पोएम में क्या है, ये हमने आपको संक्षेप में इसके बारे में बताया. तो आइए स्टेंजा वाइज हम इसको स्टडी करते हैं और इस फनी और इंटरेस्टिंग पोएम का हम भी आनंद लेते हैं. आइए पहला स्टेंजा शुरू करते हैं. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टानी बीस्ट इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन यू विल नो इट इज द एशियन लायन. कवित्री कहती है कैरोलिन वेल्स, इफ एवर, If means यदि या अगर, ever means कभी, you should go, तुम जाओ या तुम्हारा जाना हो या आपका जाना हो, by chance, संयोगवश, to jungles, जंगलों में, in the east, पूरब की ओर. अगर कभी आपका पूरब की ओर जंगल में by chance, संयोगवश जाना हो या जाओ, यदि कभी आप संयोगवश पूरब की ओर जंगल में जाओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टानी बीस्ट, एंड और इफ अगर देयर वहां पर, अगर वहां पर टू यू आपकी ओर एडवांस आगे बढ़े ए लार्ज एक बड़ा एंड टानी, टानी कहते हैं भूरा, बीस्ट मीन्स पशु या जानवर,
और अगर वहां पर कहां, पूरब की ओर जंगल में, आपकी ओर यदि कोई बड़ा और भूरे रंग का जानवर आगे बढ़े तो इफ ही रोर्स एट यू, इफ अगर यदि ही रोर्स वह दहाड़ता है, एट यू आप पर, यदि वह आप पर दहाड़ता है, इस प्रकार से दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, जैसा कि आप मरने वाले ही हो, जैसे कि आप मर ही गए हो, यदि वह कौन, लायन, वो जानवर, यदि वो आप पर दहाड़ता है, इस प्रकार से दहाड़ता है, जैसे कि आप मर ही गए हो, एज जैसा कि आप मर ही गए हो, यू विल नो, तो आप जान जाएंगे, इट इज द एशियन लायन, ये एशियाई शेर है। दोबारा देखते हैं, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, अगर कभी आप संयोगवश पूरब की ओर जंगल में जाओ, एंड इफ देयर, और यदि वहां पर, शुड टू यू आपकी ओर, एडवांस मीन्स आगे बढ़े, ए लार्ज एक बड़ा, एंड टानी बीस्ट एक भूरा जानवर, और अगर वहां पर आपकी ओर एक बड़ा और भूरे रंग का जानवर बढ़े, आगे की ओर आपकी ओर आता है, आपके सामने आता है, और इफ ही रोर्स एट यू, और वह आपकी ओर या आप पर इस प्रकार से दहाड़ता है, रोर्स मीन्स दहाड़ना, दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, ये डाइंग है, डाइन पढ़ा जाएगा क्योंकि इससे इसकी तुकबंदी हो रही है, डाइन लाइन, जैसे आप मरने ही वाले हो, तो यू विल नो, तो आप समझ जाओगे, जान जाओगे, या आपको जान जाना चाहिए या जानना होगा, इट इज द एशियन लायन, ये एशियाई शेर है। तो ये स्टेंजा क्लियर हुआ, यानी कि शेर को हम कैसे पहचान सकते हैं, पूरब की ओर जंगल में यदि कोई बड़ा भूरे रंग का जानवर हमारी ओर बढ़ता हुआ आगे आता है और वो हम पर दौड़ता है, इस प्रकार से दौड़ता है जैसे कि हम मर ही जाएंगे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वह एशियाई सेकंड स्टेंजा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। और अथवा इफ अगर या यदि समटाइम कुछ समय, व्हेन रोमिंग अराउंड, रोमिंग मींस आवारा की तरह घूमते हुए, चहलकदमी करते हुए घूमते हुए, ए नोबल, नोबल मींस शाही, रॉयल, वाइल्ड जंगली, बीस्ट मींस जानवर, ग्रेट्स मींस स्वागत करता है या अभिवादन करता है, यू आपका, अथवा अगर किसी समय घूमते हुए एक शाही जंगली जानवर आपका स्वागत करता है, आपका अभिवादन करता है, अर्थात अगर किसी समय घूमते हुए आपका सामना एक शाही जंगली जानवर से हो जाता है, उस शाही जंगली जानवर से आपका सामना हो जाता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, ब्लैक स्ट्राइप्स मीन्स काली धारियां, इसे धारियां से ये रखी है, ये धारियां है स्ट्राइप्स, ऑन ए येलो ग्राउंड, येलो मीन्स पीले रंग की, ग्राउंड मीन्स धरती अर्थात चमड़ी, और पीले रंग के शरीर पर, जिसके पीले रंग के शरीर पर काली पट्टियां हो, यानी कि अथवा अगर किसी समय घूमते हुए आपका सामना
एक शाही जंगली उस शाही जंगली जानवर से हो जाता है जिसका जिसके पीले शरीर पर काली पट्टियां हो। जस्ट नोटिस, केवल इस बात का ध्यान रखिए, जस्ट नोटिस केवल इस बात का ध्यान रखिए, नोटिस में ध्यान रखना या ध्यान देना, केवल इस बात का ध्यान रखें, इफ ही ईट्स यू, क्या वह आपको खाता है। केवल इस बात का ध्यान रखिए कि क्या वह आपको खाता है। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, उसका भयावह होना, उसका भयावह अर्थात डरावना होना, किसका, टाइगर का, उस जानवर का जिसको देखने से ये पता चलता है कि वो हमें खा सकता है, उसका ये डर, उसका ये भयावह होना। दिस सिंपल रूल, ये सरल नियम, मे हेल्प यू लर्न, मे हेल्प सहायता करेगा, मदद करेगा, यू आपकी लर्न सीखने में, यानी कि ये सीधा साधा नियम, ये सरल नियम आपको सीखने में मदद करेगा। दी बंगाल टाइगर टू डिसर्न, बंगाल टू डिसर्न मीन्स पहचानना, दी बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर को, ये सीधा साधा नियम आपको सीखने में मदद करेगा और बंगाल के टाइगर, बंगाल के बाघ को पहचानने में मदद करेगा और आप बंगाल के टाइगर को, बंगाल के बाघ को पहचान जाओगे। कब, जब हम घूमते हुए शाही जंगली जानवर से हमारा सामना होगा और उस शाही जंगली जानवर से जिसके पीले शरीर पर काली धारियां होंगी और देखने से पता चला कि जैसे वो हमें कहीं खा ना जाए, उसके भयावह होना ही क्या है, साधारण नियम हमें इस बात को सिखा देगा कि, और हम पहचान जाएंगे कि ये बंगाल का बाघ है। तो जो कैरोलिन वेल्स है वह किस प्रकार से किस जानवर को पहचानने का तरीका इस पोएम में स्टेंजा वाइज बताती है, बड़ा ही रोचक है। हम बंगाल के बाघ को कैसे पहचानेंगे कि उसके पीले शरीर पर काले रंग की पट्टियां होंगी, जिसको देख करके और जैसे ही हम उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हमें खा ना जाए, ये उसका भयभा होना साधारण सा नियम हमें इस बात को सीखने में मदद करेगा और हम बंगाल के बाघ को पहचान जाएंगे। ये थर्ड स्टेंजा है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हूज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सून एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही इल ओनली लैप एंड लैप अगेन। थर्ड स्टेंजा में कैरोलिन वेल्स तेंदुए के बारे में बताती है, लेपर्ड के बारे में बताती है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मीन्स चहलकदमी करते हुए, फोर्थ मीन्स आगे की ओर, यदि आगे की ओर चहलकदमी करते हुए ए बीस्ट एक जानवर एक पशु, यू व्यू, व्यू मीन्स देखना, यदि आपको चहलकदमी करते हुए एक जानवर दिखाई देता है, एक ऐसा जानवर दिखाई देता है हूज हाइड, हाइड मीन्स वैसे छिपाना होता है, लेकिन हाइड का मीनिंग स्किन भी होता है, खाल भी होता है, हूज हाइड जिसकी खाल जिसकी त्वचा विद स्पॉट्स धब्बे होते हैं, इज पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स काली मिर्च, जिसके शरीर पर जिसकी खाल पर जिसकी त्वचा पर काली मिर्च के समान गोल गोल धब्बे होते हैं, स्पॉट्स मीन्स धब्बे। अगर चहलकदमी आगे की ओर चहलकदमी करते हुए आपको एक जानवर दिखाई देता है जिसकी हूज हाइट जिसकी खाल पर
जिसकी त्वचा पर काली मिर्च के समान गोल गोल धब्बे होते हैं, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही एज सून एज जो ही हैज लेफ्ट लेफ्ट वह कूदे या उछले ऑन यू आपके ऊपर, और जो ही वह आपके ऊपर उछले आपके ऊपर छलांग लगाए, त्यों ही यू विल नो आप जान जाओगे। यदि कोई जानवर जिसके शरीर पर काली मिर्च के समान गोल गोल धब्बे हो जिसकी चमड़ी पर, तो और वो आपके ऊपर उछाल मारे आपके ऊपर कूदे, तो तभी यू विल नो आप जान जाएंगे, आपको जानकारी हो जाएगी, इट इज द लेपर्ड ये तेंदुआ है। इट की शॉर्ट फॉर्म है टिविल, इट विल डू नो गुड, इससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। टू रोर दहाड़ना जोर से चीखना, विद पेन दर्द से जोर से चीखने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप उसे देख करके दर्द के मारे जोर से चीखोगे चिल्लाओगे तो इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह आपके ऊपर और अधिक बार कूदेगा, उछाल मारेगा, आपके ऊपर हमला करेगा। लैप मीन्स होता है कूदना, वह आपके ऊपर और अधिक बार कूदेगा उछलेगा। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू हूज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ यदि आगे की ओर चहलकदमी करते हुए आपको कोई जानवर दिखाई देता है, व्यू मीन्स दिखाई देना, आपको कोई जानवर दिखाई देता है, हूज हाइड जिसकी खाल पर जिसकी त्वचा पर धब्बे होते हैं इच पेपर्ड काली मिर्च के समान गोल गोल, जिसकी स्किन पर जिसकी खाल पर जिसकी त्वचा पर काली मिर्च के समान गोल गोल धब्बे होते हैं, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जो ही वह आपके ऊपर उछाल मारता है आपके ऊपर उछले, तो यू विल नो आप जान जाएंगे, आपको जानकारी हो जाएगी, जब कोई इस प्रकार से जानवर उछल करके आपके ऊपर आएगा तो आप जान जाओगे क्या, इट इज द लेपर्ड ये तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड, इससे कोई फायदा नहीं होगा, टू रोर जोर से चीखने चिल्लाने से, विद पेन दर्द से, और दर्द से जोर से चीखने चिल्लाने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह आपके ऊपर और अधिक बार छलांग लगाएगा, झपटेगा, हमला करेगा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज अ बियर, इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गैस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस। आगे कैरोलिन वेल्स कहती हैं, इफ व्हेन अगर जब यू आर वॉकिंग अराउंड आप आसपास ही घूम रहे होते हैं, योर यार्ड यार्ड मीन्स आंगन, जब आप अपने आंगन के आसपास ही घूम रहे होते हैं, तो यू मीट आप मिलते हैं, आपका सामना होता है एक क्रिएचर एक ऐसे जीव से या प्राणी से, क्रिएचर मीन्स जीव या प्राणी, देर मिस वहां, अगर जब आप अपने आंगन के आसपास ही टहल रहे होते हैं घूम रहे होते हैं, तो आपका वहां एक जीव से एक प्राणी से सामना होता है, आपकी मुलाकात होती है, आपकी भेंट होती है एक ऐसे प्राणी से एक ऐसे जीव से, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हु हग्स हग्स मीन्स आलिंगन करना गले मिलना,
हु हग्स जो गले मिलता है, आलिंगन करता है, यू आपका, वेरी वेरी हार्ड बहुत मजबूती के साथ, बहुत कठोरता के साथ जो आपके साथ आलिंगन करता है, आपसे गले मिलता है, तो बी श्योर, तो आप विश्वास करें, आप आश्वस्त हो जाइए इस जानवर के बारे में। क्या है ये? इट इज अ बियर, ये भालू होता है। इनकी भालू जब आपसे मिलेगा तो वह जोर के साथ आपके साथ आलिंगन करेगा, आपके साथ गले मिलेगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई संदेह है, डाउट्स में संदेह, यदि आपको कोई संदेह है, आई गेस, मेरा अनुमान है, कैरोलिन वेल्स कहती है, तो मेरा अनुमान है, यदि आपको कोई डाउट है, यदि कोई शंका है, संदेह है, तो क्या होगा? ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस, ही विल गिव, वह देगा यू आपको, जस्ट वन मोर, एक बार और, केरेस मीन्स लाड़ प्यार, वह आपको एक बार और लाड़ प्यार देगा, अर्थात आपके साथ एक बार और गले मिलेगा या आपके साथ आलिंगन करेगा। इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि जब आप अपने आंगन के आसपास ही घूम रहे होते हैं, तो यू मीट ए क्रिएचर दे यार, वहां पर आप एक ऐसे प्राणी से मिलते हैं, हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो बहुत ही जोर से आपके साथ आलिंगन करता है। बी श्योर, आश्वस्त हो जाइए, विश्वास कीजिए, इट इज अ बियर, ये जानवर भालू होता है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपका कोई संदेह है, आपके मन में कोई संशय है, तो आई गेस, मेरा अनुमान है, मेरे विचार से, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केरेस, आपको वह एक बार और आलिंगन करेगा, आपसे गले मिलेगा, आपके साथ प्यार करेगा। दो टू डिस्टिंग्विश्ड बीस्ट्स ऑफ प्रे, ए नॉविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, दस हाइना कम विद मैरी स्माइल्स, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। इस स्टंजा में कैरोलिन वेल्स कहती हैं, दो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश मींस पहचान करना, पहचान करके अंतर करना, भेद करना, बीस्ट ऑफ प्रे का मीनिंग है शिकारी जानवर का, यद्यपि शिकारी जानवरों में को पहचानना और उनमें भेद करना, ए नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस कहते हैं नवसिखुआ, जिसे जंगली जानवरों के बारे में कोई जानकारी ही न हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे जंगली जानवरों के बारे में कुछ भी ज्ञात न हो, वह ऐसा व्यक्ति भी ए नोविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस कहते हैं कंफ्यूज्ड, हट प्रभ, भ्रमित होना, यानी कि शिकारी जानवरों में भेद करना, पहचान करना, उनमें भिन्नता करना, एक नव सिखुआ व्यक्ति को हत प्रभ कर देता है, उसे भ्रमित कर देता है, जो नया व्यक्ति होता है, जिसे जंगली जानवरों के विषय में कुछ जानकारी नहीं होती, ऐसा व्यक्ति शिकारी जानवरों में जानवरों की पहचान करना और उनमें अंतर करना उसके बस की बात नहीं होती है, जो नव सिखुए को, ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है, भ्रमित कर देता है, हत प्रभ कर देता है, नॉन प्लस मीन्स हत प्रभ, भ्रमित। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी कैसा, जो व्यक्ति शिकारी जानवरों की पहचान कर उनमें अंतर नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति भी, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, ऐसा व्यक्ति भी हमेशा मगरमच्छ और लकड़बग्गा की पहचान कर
उनमें अंतर कर सकता है। टेल मींस बताना, पहचान करना, हमने पहले भी बताया था टेल मींस वैसे बताना होता है, लेकिन यहां पर पहचान करना कि ऐसा व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति मगरमच्छ और लकड़बग्गे को देख करके, पहचान करके उनमें अंतर कर सकता है। कैसे? हाइना कम विद मैरी स्माइल्स। हाइनाज जो लकड़बग्गे होते हैं वे कम आते हैं, दिखाई देते हैं, विद मैरी स्माइल, मैरी मींस प्रसन्नता पूर्वक, स्माइल मींस मुस्कुराहट के साथ। जो लकड़बग्गे होते हैं वे प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराहट के साथ दिखाई देते हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। परंतु यदि वे रोते हैं, यदि आपको कोई जानवर रोता हुआ दिखाई देता है तो दे आर क्रोकोडाइल्स, वे मगरमच्छ होते हैं। अर्थात मगरमच्छ हमेशा आंसू बहाते हुए दिखाई देते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस। यद्यपि जंगली जानवरों में, जंगली जानवरों की पहचान करना और उनमें अंतर करना एक नव सीखे हुए व्यक्ति को हतप्रभ कर देता है, भ्रमित कर देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी हमेशा मगरमच्छ और लकड़बग्घे में, लकड़बग्घे की पहचान कर उनमें अंतर कर सकता है। हाइना कम विद मैरी स्माइल्स। लकड़बग्घे हमेशा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराहट के साथ दिखाई देते हैं। बट इफ, परंतु यदि कोई रोता है तो वे मगरमच्छ होते हैं, अर्थात मगरमच्छ हमेशा रोते हुए दिखाई देते हैं। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, tis the chameleon you see. लास्ट स्टेंजा में कैरोलिन वेल्स कहती हैं कि the true, true means सच्चा, यहां पर इसका मीनिंग है वास्तविक। एक वास्तविक कैमेलियन कहते हैं गिरगिट को। एक वास्तविक गिरगिट इज स्मॉल, छोटा होता है, अ लिजर्ड छिपकली के सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली के जैसा जीव। एक वास्तविक गिरगिट छिपकली के भांति छोटा सा जीव होता है। ये दिखाई दे रहा है इसमें चित्र में, एक वास्तविक गिरगिट एक छिपकली के जैसा, छिपकली की भांति एक छोटा जीव होता है, एक छोटा प्राणी होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। एट ऑल मींस बिल्कुल भी, उसके बिल्कुल भी कोई कान नहीं होते। ईयर्स मींस कान, यानी गिरगिट के कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पंख भी नहीं होते हैं, कोई पंख भी नहीं होते। पहचान कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं और उनमें अंतर कर सकते हैं, कि जो वास्तविक गिरगिट होता है वह छिपकली की भांति छोटा जीव होता है, उसके कान भी नहीं होते, उसके पंख भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं होता है, पेड़ पर कुछ नहीं है, इज द कमेलियन यू सी, तो इट इज द कमेलियन, ये गिरगिट ही होता है यू सी, जो तुम्हें दिखाई देता है, या जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है पेड़ पर वह गिरगिट ही होता है, क्योंकि गिरगिट जो है छिपकली के समान छोटा प्राणी होता है, न उसके कान होते हैं न पंख होते हैं, और यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता तो ये गिरगिट ही होता है जो आपको दिखाई देता है, या आप जो कुछ भी पेड़ पर देखते हैं वह गिरगिट ही होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये पोयम थी हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाना जाता है। बड़ी हास्य कविता है, बड़ा आनंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।